सो टुडे आज हमारा ड्रामा कब स्पेशल है अदनान सिद्दीकी के साथ. भूल जाने का हुनर मुझको. उन्होंने लिटरली हमें बहुत सरप्राइज विजिट किया एट आवर स्टूडियो एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर. थैंक्स फॉर द विजिट. थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर. दिस इज द वे टू ग्रीट समवन बिकॉज़ दे डिडंट इनवाइटेड मी. आई जस्ट केम ऑन माय ओन. अपने मैसेजेस चेक करो. अभी आप लोगों को बताते हैं मैसेजेस चेक करो. उस पे लिखा हुआ है परसों का कि आ जाना जिस दिन अमर आ रही है और तब कोई जवाब नहीं बिकॉज ही वेंट ऑफ टू लाहौर. बट एनीवेज वी आर वेरी हैप्पी दैट ही इज हियर टुडे एंड अपना कप खुद ही लेकर आए थे चाय का. हाँ वो भी खत्म हो गया. चाय मिल सकती है. चाय या कॉफी चाहिए? कॉफी पी सकता हूं. कॉफी ब्लैक और ब्लैक? ब्लैक मुझे भी दे देना. इनको भी दे देना. ओके सो लेट्स स्टार्ट. मेरे पास तुम हो एंड हमारे पास शहवार है. अभी मेरे पास तुम हो हमारे पास शहवार है. दिस इज नॉट योर फर्स्ट टाइम आई एम श्योर. सो शहवार से अब हम कुछ बातें करेंगे कि बताएं पहले आप अपना थोड़ा सा मुझे बताएं. हाउ वाज इट कमिंग इनटू अ नेगेटिव रोल? वेल एज हुमायूं सईद सेज कि उसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार शहवार बहुत अच्छा उसके पास तो जाना ही चाहिए उसको. सो महवेश को जाना चाहिए आपके पास. आप नेगेटिव में हैं क्या है? सो लेट्स हियर इट फ्रॉम यू फर्स्ट. अच्छा देखिए मैं बड़ी अजीब चीज़ मैं बता रहा हूँ एक इसके अंदर जो मेरे पास तुम हो. पहली बात तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इसकी पसीराई ऐसे मिलेगी मुझे. ओके मैं इसको नेगेटिव तो नहीं कहूँगा. ओके मगर मैं जो कर रहा हूँ मैं उसको ओन भी कर रहा हूँ. ओके मैं ये नहीं कहूँगा कि यार लोग गालियाँ दे रहे हैं तो भाई शहवार को दे रहे हैं. तो इसका मतलब मैं वो किरदार सही कर रहा हूँ. अगर वो महवेश वो किरदार सही कर रही है तो इसका मतलब गालियाँ महवेश को पड़ रही हैं. यहाँ तक कि दानिश को भी गालियाँ पड़ रही हैं. तो वो हर किरदार अपने सांचे में जाके बैठ गया है. एंड मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि यार के मत कहें बुरा ये ना कहें. तो किरदार है. आई एम ओन इट. मैं कर रहा हूँ और दिल से कर रहा था और करता रहूँगा ऐसे अगर मुझे किरदार मिलते रहेंगे. तो अब रिएक्शन का तो किसी को नहीं पता होता कि क्या होगा. आप डर रहे होते हैं या आप हंस रहे होते हैं या आप इग्नोर कर रहे होते हैं. मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा एक वक्त आता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ड्रामा आ जाता है कि जिसकी वजह से लोग बात करना शुरू कर देते हैं. इमेजिन आई जस्ट हर्ड यस्टरडे दैट लाइक 55% ऑफ मेल पॉपुलेशन आर वॉचिंग दिस सीरियल. सो नाउ दिस इज नॉट समथिंग ऑर्डिनरी. दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. आई मेक माय हस्बैंड वॉच इट. सो इमेजिन एंड जहाँ से आप जैसे कह रही है यू मेड हिम सिट देयर एंड वॉच दिस सीरियल. बहुत सी खवातीन चाहती हैं कि उनके शौहर ना देखे वो ड्रामा. ठीक है ना. इज इट बिकॉज ऑफ द हाइप जो हो गई है या आई डोंट नो. देखिए स्टोरी तो डेफिनेटली माशरे में ऐसा होता होगा ना. यस डेफिनेटली. मैं ये तो नहीं कह रही कि ऐसा नहीं होता होगा. जहाँ अच्छे मर्द हैं वहाँ अच्छी औरतें भी हैं. जहाँ बुरे मर्द हैं वहाँ थोड़ी बुरी औरतें भी हैं. तो पाँच उंगलियाँ बराबर नहीं. एंड किसी का भी कोई वीक मोमेंट हो सकता है. और शहवार जैसे चालाक आदमी उस वीक मोमेंट को समझ सकते हैं. नोट करें इन्होंने चालाक आदमी बोल दिया. चालाक तो है. चालाक तो है इसमें तो कोई शक नहीं. सक्सेसफुल बिजनेसमैन है. ही नोज हाउ टू टॉक. सारी अपनी काम तरीके से कर रहा है. एंड चालाकी का आलम ये देखें कि वो एक सीधे साधे दानिश को भी इतने कॉन्फिडेंट से हैंडल कर रहा है. तो कोई तो उसके अंदर बात होगी ना. ऐसे तो नहीं कर रहा होगा. तो जब शहवार जैसा आदमी जब when he can read between the lines he can actually go in your mind and read it. ठीक है ना. तो वो he's manipulating with the situation. Literally, yeah. अच्छा इसके बारे में before we get into little bit of intense तुम ले आओ बेशक कॉफ़ी बीच में ले आना. इंटेंस कुछ फन इंसिडेंट बताओगे कोई ऐसा अभी तक जो एपिसोड हो चुके हैं उसकी. वी वोंट गो ऑन दैट एपिसोड द होटल वन या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि जिसमें यू व्हाइल शूटिंग यू लाइक यार दिस वाज रियली अ फनी मोमेंट. इट वाज एन इंटेंस मोमेंट बट इवेंचुअली एक्टिंग वाइज बहुत फन हो गया. कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट शेयर अगर आप करें. अच्छा मैं
इन सारे इंसिडेंट्स को मैं एक ही आदमी से रिलेट करता हूँ, वो है हमारे डायरेक्टर और उनका नाम है नदीम बेग साहब। मतलब बहुत कम डायरेक्टर्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे सिनेरियो में जो अपना होमवर्क करके आते हैं और कुछ कुछ ज़्यादा होमवर्क करके बैठ जाते हैं। नदीम वो आदमी है जो परफेक्शनिस्ट है और बड़ा सोच समझ कर अपने सीन लेकर आता है और चाहता है बिल्कुल वैसी शूट भी हो। फॉर एग्जांपल अगर हम मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं ये कहता हूँ यार मैं अगर उधर बैठ जाऊँ और तुम इधर आके बैठ जाओ तो यू कह हाँ एंड यू विल से हाँ 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 यू राइट आप यही कहेंगी। नदीम का ये होता था हाँ हाँ सही है बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वाह व्हाट एन आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया, यस अच्छा वैसे ही करो ना जैसे मैंने कहा है। तो भाई इतनी हाइप क्रिएट करके उसको वापस उधर ले आते थे। इससे तो हमें हमारी ड्रामा कब क्वीन रानी याद आ गई। तो इतना उससे अंदाजा ये हुआ ही वॉज ऑल सेट हियर, कि उसको पता था करना क्या है। दूसरी चीज जो मुझे बड़ा प्यार आता था, कोई चीज़ गलती होती थी बस बड़े सॉफ्ट हार्टेड आदमी है। तो फर्ज करें अगर ये कैमरा सही नहीं, इन्होंने लाइट की सही नहीं समझनी आ रहा है कि लाइट किधर करनी है, तो इस किसी से जब बोलता था ना तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार ये कौन सा गुस्सा है यार, इसमें तो हंसी आ रही है। तो वो इंसिडेंट्स थे। बाकी ड्रामा जब हम कर रहे होते थे, स्पेशली मैं जब कर रहा होता था तो मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम, मुझे तो सुबह हर सुबह ये लगता था वो यार इम्तिहान देने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि लाइनें मुझे नहीं याद हो रही थी अपेरेंटली। oh जबकि कोई इतनी मुश्किल लाइनें नहीं है, मगर उसके जो पंच मोमेंट्स हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते, आपको उसी अंदाज से कहना है जैसे वो लिखा हुआ है। अगर वो मैंने वो मिस कर दिया तो फिर वो इंटेंसिटी नहीं आएगी उसके अंदर। जो खलील रहमान कमर ने लिखा है अगर वो मैंने उस अंदाज से नहीं बोला तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो मैं ही कर लूँ। सो क्या कहते हैं जो दानिश को सिंपैथी मिल रही है वो अभी आपकी तरफ सिंपैथी आई नहीं है, शायद आएगी भी नहीं, या डू यू थिंक कि आगे जाके कुछ ऐसा होगा कि सिंपैथी रोल आपकी, बिकॉज अभी दानिश को पढ़ भी रही हैं बहुत कि यार ये क्या ढक्का, क्या यार क्यों नहीं हिल के दे रहा, व्हाट यू नो। मैं मुस्कुरा भी रहा हूँ साथ साथ जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं। एंड देन आपको तो ऑफ कोर्स वो, बट डू यू थिंक कुछ, आई डोंट नो, एज यू नो दिस इज हमायूं सईद प्रोडक्शन, यस ऑफ कोर्स, या तो सिंपैथी वाला रोल वही करेगा। मैं तो करने जरा पर हर कैरेक्टर इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मगर वो जिस तरीके से उनका प्ले हुआ है वो हीरो बन गए हैं। आप मैं हीरो तो है वो नहीं, लाइक लिटरली हर बंदा यार हीरो तो उस ड्रामे में है, मगर लग हीरो मैं रहा हूँ, यस ये बात मान ली और ये इसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। मगर जो उसने कुछ सीन ऐसे किए हैं जिसमें मैं रो गया हूँ, मतलब इमेजिन आई हैव डन दैट सीन विद हिम, द इंटेंसिटी वाज देयर। एंड स्पेशली एक सीन आता है जिसमें आखिरी एपिसोड में वो अपने अब्बा की बात करता है, आप यकीन माने कि मुझे मेरे आंसू रोकना एक प्रॉब्लम, लोग बहुत से लोग उन्होंने मुझसे पूछा भी आपको उस पर तर्स भी आ रहा है, नहीं जिस अंदाज से उसने कहा और जिस अंदाज से उसने अपने अब्बा का जिक्र किया, एंड आई एम श्योर उस वक्त उसके दिमाग में भी उसके वाले साहब होंगे जिनका इंतकाल हो गया, मेरे दिमाग में भी मेरे वाले साहब आ गए कि वो जो नसीहत करते थे, तो एक मोमेंट आ गया जहाँ मेरी आंखें नम हो गई। बट हैट्स ऑफ टू हिम, हाउ स्मूथली, हाउ ब्यूटिफुली, हाउ इमोशनली ही हैज डन दैट सीन, यस डेफिनेटली, लाइक उनकी तो बहुत, हुमायूं लाइक सीरियसली हुमायूं सईद इज़ लाइक द नेशनल हीरो, कि वो सब यही है कि हाय वो बेचारा एंड यू नो वो सब कुछ, एंड यस ऑफ कोर्स। बट ओके सो वन मोर थिंग, जो शहवार पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट सीन अप टिल नाउ दैट यू थिंक कि ओ ये बहुत चैलेंजिंग ये वाला पार्ट था टू प्ले एज शहवार, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा सीन जो अब तक हुआ हो? अच्छा मैं बता नहीं सकता, वो अभी आने हैं तो इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। ओके बट ऐसे कोई सीन्स थे जो लेवल है यार ये एज अ कैरेक्टर आल्सो, एक ऐसे सीन्स थे, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ कि
मैं अपने दोस्त के घर जाऊँ या दोस्त मेरे घर आए तो उसकी बीवी भी आती है, मैं क्या गिफ्ट करूँगा उसको कोई चीज़? तो गिफ्ट करूँगा, ये लो, मगर पहनाऊँगा नहीं। उस चीज़ को समझना, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं I was going to ask about that. यार ये कैसे कर सकते हैं आप कि किसी की बीवी को आप हार पहना दें? अरे भाई कैरेक्टर है वो। मगर आपने तो नहीं पहनाया था। मैं तो हार पहनाता हूँ उसकी बीवी को। अच्छा जी नहीं मान लेना। अच्छा आगे भी होने? नहीं ये आ चुका है, जब ही बता रहा हूँ चुके ये शुरू वाली एपिसोड्स में। अच्छा योर होमवर्क इज नॉट गुड। नो डिन हुमायूं आपने दिया था और आपने कहा था अपनी बीवी को पहनाओ तो हुमायूं ने पहनाया था उसको। शहवार तुम गलत कह रहे हो, मुझे सीन के उस क्लिप शॉट्स दो, वही वाला ना जिसके अंदर वो घर की फैमिली। आई वाज जस्ट ओह माय गॉड आई वाज लाइक शॉक्ड आई एक्चुअली फॉरगॉट। सीरियसली अदनान ऐसे नहीं अब आप करें। हाँ ठीक है अच्छा बताएं। हाँ सॉरी मेरा मकसद ये है कहने का कि कोई भी शख्स उस वक्त नहीं कहेगा पहनाए ना, ठीक है ना? तो वो होता है, ये ड्रामा है यार। एक आप उसको ड्रामे के हिसाब से देखें, मैं कैरेक्टर में हूँ, वो कैरेक्टर में, वो लड़की कैरेक्टर में, तो जो लिखा है वो तो करूँगा ना मैं। कुछ आपको मार्जिन लेना पड़ता है, ड्रामा मार्जिन भी लेने पड़ते हैं आपको, उसके अंदर मसाला डालने के लिए। तो ये यार ये वाला इतना बड़ा इशू ना बनाया यार कि यार कोई आदमी नहीं करेगा। फेवरेट सीन तो ही सेइंग ना कि अभी आना है। मेरा फेवरेट डायलॉग। अच्छा फेवरेट डायलॉग। वो पूछती है कि मैं ऑफिस में क्या करूँगी? कुछ नहीं। वो कहते हैं आपका काम ये कि आप कोई काम नहीं करना, बस मेरे सामने बैठे रहना, मुझे चाय को पूछो, मुझे कॉफ़ी को पूछो, जब मैं सिगरेट पीऊँ तो बस मुझे सिगरेट नहीं पीने दिया। और एग्जैक्टली अभी मैं लाहौर से आ रहा था तो मैं सिगरेट पी रहा था तो एक खातून गुजरी, उन्होंने कहा शहवार सिगरेट नहीं पीना है। सो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरियल। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार अभी तो मैं जब से मैंने ये सीरियल किया मैं पाकिस्तान से बाहर ही ट्रैवल कर रहा था, मगर परसों मैं लाहौर गया हूँ और अभी मैं एयरपोर्ट पे आया हूँ तो ये वो आलम, फिर जहाज में बैठते साथ एयर स्टूडेंट एयर होस्टेस से लेकर लोगों से लेकर मर्द हजरात से लेकर सभी उसकी बात कर रहे हैं। मैं अपने दोस्त की तरफ गया हूँ, मेरी दोस्त की तो बीवी मुझे कहती है मुझे सैटरडे का एहसास कब होता है जब मेरी दोस्त की बीवी का मैसेज आता है, कमीने जलील बेशरम बेगैरत, तो मुझे पता लगता है आज सैटरडे है। आज सैटरडे। मैं यही पूछने लगी थी कि जब ऐसे कमेंट्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव आपको जो लगा हो कि यार मैं इतना बुरा तो नहीं था, ऐसे तो मत मेरे साथ करो, कोई ऐसा कमेंट अदर देन द गाली वंस? सो ऐसा कमेंट नहीं था मगर एक तस्वीर है जिसमें मैं आयजा और दानिश की शादी में एक एक्चुअल तस्वीर है जिसमें मैं पीछे खड़ा हूँ, वो दुल्हन दूल्हा आगे बैठे हुए हैं और किसी ने उसके नीचे कमेंट लिखा हुआ है कि आयजा पीछे मुड़कर मत देखना शहवार खड़ा, अब महविश पीछे मुड़कर मत देखना शहवार खड़ा है। तो ये जी इसी किस्म की बातें, बेगैरत बदतमीज़ जलील मत, मगर इससे भी बढ़ के गालियाँ आई हैं मुझे, वो भी मिली हैं मगर साथ ही साथ बहुत जिन ख़वातीन ने, अच्छा इसमें मज़े की बात है आपको बताता हूँ, ज़्यादातर जो गालियाँ दे रहे हैं मुझे मर्द हजरात दे रहे हैं, इतनी ख़वातीन नहीं दे रही मुझे गालियाँ। इसका रीज़न बताओ। आई रियली डोंट नो तो आई गेस ऐसा नहीं है कि ख़वातीन भी बहुत सी हैं कि यार मेरे जैसे दोस्त की वालदा कहती है अरे ऐसा आदमी तो नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा खानदानी आदमी लगता है मुझको, ये क्या हरकतें कर रहा है, अरे वो किरदार कर रहा है, किरदार प्ले कर रहा है। तो ठीक है उसमें गालियाँ माँ की भी गालियाँ आई हैं, बहन की भी गालियाँ आई हैं, बाप की भी गालियाँ आई हैं और बड़ी गालियाँ मिली हैं, मगर आई गेस यही कामयाबी किरदार है। बिल्कुल ये वाली जो स्टोरी है ये
ये हो, ये ऐसी हो नहीं है, कि ओ, मतलब कोई ऐसा कमाल नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये कभी मतलब हुआ नहीं या कभी होगा ये नहीं। ये बड़ी पुरानी कहानी है, मैं मान ले ये बहुत पुरानी कहानी है, मगर जिस अंदाज से इसको फिल्माया गया है, जिस अंदाज से इसको लिखा गया है, जिस अंदाज से इसमें दोनों हजरात ने एक्टिंग की, जिसकी वजह से मैं भी सवर गया हूँ, कमाल है। इवन आयजा आई विल लाइक ओ माय गॉड, हर यू नो उसका जो उसमें अवतार इज लाइक बड़ी बात है, 360 बहुत बहुत ही बोल्ड डिसीजन है कि इस किस्म का है कि मुझे बहुत से लोगों का ये भी सवाल आया कि ऐसी कोई माँ नहीं होती अपने बच्चे को छोड़ के चले जाए, तो शायद आपको पता नहीं ऐसे होते हैं लोग। आप कभी ईदी पे जाइए, उनके उनके जो उन्होंने घर बनाए हुए हैं उसमें आप जाके देखिए। आप बच्चों की बात कर रही, जो वालदेन हैं जो उधर पड़े में जिनकी औलाद घरों में आराम से रह रही हैं, क्या वो उनकी वालदा नहीं है? आप बच्चों के पे तो इतना सीरियस हो गए कि नहीं छोड़ सकते, तो ऐसे भी माँ बाप भी नहीं छोड़े जाते जैसे उनके हालात इन ओल्ड हाउसेस के अंदर। ओल्ड हाउसेस कहते हैं, क्या कहते हैं, ओल्ड होम्स। तो दोनों तरफ है ना, ऐसी तो होता होगा, ये माशरे में तो हो रहा है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हर माँ ऐसी हरकत करती होगी, लाखों में करोड़ों में एक माँ तो ऐसी होगी, हो सकती है, हो सकती है। तो क्या पता वो महवेशी हो या नहीं हो, और अभी अंदर उसके दिल में क्या चल रहा है और आगे जाके क्या होगा वो अभी हमें नहीं पता। सो थैंक यू अदनान फॉर गिविंग अस द टाइम। मगर जाते जाते आप एक शहवार का एक तो डायलॉग तो आपने एक बोला है, मगर उसकी रो में आप कुछ जो अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, फॉर मेरे पास तुम, कोई एक मैसेज? मेरे पास तुम, आई लव यू। भूल जाने का हुनर मुझको।